शादी डिंपल गर्ल की। गृह प्रवेश की तैयारियों के बाद दोबारा से ससुराल में जब होगी एंट्री नई नवेली दुल्हन दीपिका पादुकोण की, तो किस तरह मचेगी धूम सिंह परिवार में। इन सभी बातें के साथ हम लौट आए एक बार फिर से नेक्स्ट नाइन न्यूज के हमारे इस खास कार्यक्रम को लेकर। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का, मैं आज आपकी होस्ट तृप्ति बताऊंगी आपको आखिर क्यों दोबारा से किया जाएगा दीपिका पादुकोण का गृह प्रवेश। जी हाँ, दोबारा से किया जाएगा दीपिका पादुकोण का गृह प्रवेश। रीजन ये है कि दीपिका और रणवीर शादी के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत तो कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल पूरे ससुराल वालों के साथ, अपने सास ससुर के साथ, अपनी ननद के साथ दीपिका पादुकोण नहीं रहने वाली है। जैसा कि आप भी जानते हैं कि एक नया घर हुआ है तैयार दीपिका और उनके हस्बैंड रणवीर सिंह के लिए। एक नई फैमिली की शुरुआत के लिए, अपनी फैमिली गोल्स को शेयर करने के लिए एक सपनों का घर हो रहा है तैयार रणवीर और दीपिका पादुकोण का, जहां फुल फैमिली के साथ फैमिली गोल्स शेयर करेगी ये लवी डवी कपल। जी हाँ, और इसी के लिए दोबारा हो सकता है गृह प्रवेश दीपिका पादुकोण का, ये नई बहू का ससुराल में, क्योंकि एक नया जो तरीका आएगा सामने आपके बीच, इसका सभी को इंतजार है और सबसे ज्यादा इंतजार है दीपिका और रणवीर को। जी हाँ, हम आपको आज बताने वाले हैं कि आखिर क्यों दीपिका रणवीर को फिलहाल रहना पड़ रहा है अपने सपनों के घर से दूर। इसी के साथ साथ हम आपको देने वाले हैं जानकारी रणवीर दीपिका की शादी के बाद उनकी प्लानिंग्स के बारे में। चलिए, शुरुआत हो चुकी है इस प्रोग्राम की, तो स्वागत करते हुए आप सभी का हम ले चलते हैं आपको। जी हाँ, आपकी होस्ट तृप्ति, मैं आपको आज हमारे इस प्रोग्राम के स्पेशल रिपोर्ट्स के जरिए दूंगी जानकारी कि कैसे दीपिका रणवीर की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। जी हाँ, एक से भला दो, मतलब दो बॉलीवुड के बड़े स्टार जब मिलकर करेंगे एक नए जीवन की शुरुआत, तो कैसे बॉलीवुड में ये जोड़ी बॉलीवुड को और ऊंचाई की तरफ ले जाएगी, क्या है इनकी तैयारियां शादी से लेकर हनीमून वेकेशन से लेकर प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत से लेकर, इन सभी बातों के साथ हम आपको देंगे कुछ और नए अपडेट्स शादी के रस्मों को लेकर। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, इस रिपोर्ट में हम आपके बीच बात करने वाले हैं गृह प्रवेश के बारे में। जैसा कि आप भी जानते हैं कि गृह प्रवेश हिंदू रीति रिवाज में एक ऐसा रस्म है जो शादी के बाद दुल्हन का ससुराल में एंट्री के वक्त किया जाता है। गृह प्रवेश के जरिए दुल्हन लक्ष्मी रूप में अपने ससुराल में कदम रखती है। एक ऐसा रिवाज है जिसे खास तौर पर इंडिया में मनाया जाता है। वैसे तो गृह प्रवेश आज की डेट में टीवी से लेकर बॉलीवुड में शादी के बाद आम तरीके से दिखाया जाता है, लेकिन फिलहाल बात है अगर यहाँ रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी के बाद दीपिका की गृह प्रवेश की, तो हम आपको देना चाहेंगे जानकारी आखिर किस वजह से दीपिका और रणवीर के गृह प्रवेश को लेकर आई गुड न्यूज आप सभी के लिए है थोड़ी सी एक्साइटमेंट से भरी। जी हाँ, फिलहाल दीपिका और रणवीर अपने नए घर पर शिफ्ट नहीं हो पाए हैं। खबर ये है कि दोबारा दोनों एक साथ नए घर पर करेंगे एंट्री, जहाँ दीपिका का स्वागत तो जरूर होगा। अब उम्मीद यही है कि सिंह परिवार की बहू बनने के बाद दीपिका गृह प्रवेश के लिए जरूर अपने ससुराल वालों से उम्मीद करेंगी कि उनकी सासू माँ गृह प्रवेश के लिए अपनी बहू के लिए दरवाजे पर खड़ी हो। आपको जानकारी देना चाहेंगे हम कि दीपिका और रणवीर फिलहाल अभी दूसरे घर पर रह रहे हैं। जी हाँ, ये भी कहा जा रहा है कि दीपिका इन दिनों जो मुंबई में ही है वो अपने हस्बैंड रणवीर से दूर है, क्योंकि रणवीर ने दीपिका का साथ छोड़ अपनी करियर की वजह से, कुछ प्रोफेशनल प्रॉमिसेस की वजह से
कहीं और जाने का फैसला लिया। दीपिका और रणवीर हुए हैं प्रोफेशन की वजह से थोड़े समय के लिए अलग। ऐसे में दीपिका का साथ देने के लिए उनकी फैमिलीज तो होगी, उनके माँ बाप से लेकर उनके इन लॉ फैमिली तक। दिलचस्प बात ये भी है कि अपने मायके पहुंचने के बाद दीपिका जब दोबारा ससुराल में आएंगे तो उनका स्वागत उनके ससुराल वाले ही करेंगे। उनकी सासू माँ और उनके ससुर दोनों ही काफी ज्यादा पसंद करते हैं दीपिका और रणवीर को साथ। मजे की बात तो ये है कि अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ ससुराल से फिलहाल दीपिका पादुकोण बाहर होने के बावजूद ससुराल वालों के साथ ही है। दरअसल खबर ये है कि हाल ही में एक जो पार्टी रखी गई थी बेंगलुरु में वेडिंग रिसेप्शन के वक्त दीपिका अपने ससुराल वालों के साथ ही थी, जहां पर उनकी ननद रितिका भवनानी भी थी। तो साथ में वहां उनकी सासू माँ से लेकर उनके ससुर से लेकर उनकी अपनी माँ और पिता भी थे। ऐसे में मुंबई लौटने के बाद वो अपने सास ससुर के साथ जब आई एयरपोर्ट पर तो ये भी देखा गया कि वहाँ उनके सास ससुर काफी खुश थे। मजे की बात तो ये है कि रणवीर सिंह के साथ दीपिका जब नए घर पर शिफ्ट होंगी, नए बंगलों में शिफ्ट होंगी, तो वहां पर पति पत्नी के रूप में दोनों अपने नए कर जिंदगी की शुरुआत करेंगे। गृह प्रवेश के बाद दीपिका को आप देखेंगे कि एक नई नवेली बहू के रूप में वो बाकी सभी बहुओं से अलग तौर तरीके के साथ आगे बढ़ेंगी। उम्मीद रही है कि जिस तरह से बॉलीवुड की टॉप बहुओं में ऐश्वर्या राय बच्चन से लेकर नाम करीना कपूर खान जैसी टॉप हीरोइंस का शुमार है, उस लिस्ट में अब दीपिका पादुकोण का भी नाम दर्ज होगा। जी हाँ, अपने लॉ फैमिलीज का इन लॉ फैमिलीज का ख्याल रखने वाली ऐश्वर्या से लेकर करीना कपूर खान तक सभी से इंस्पायर्ड दीपिका पादुकोण के साथ अच्छे रिश्ते होने की वजह से जरूर उनसे सीख लेंगी। वैसे आपको जानकारी देना चाहेंगे इसी के साथ साथ कि अनुष्का शर्मा ने भी काफी ज्यादा बधाइयां देते हुए विशेष दीपिका के लिए भेजे थे कि वो नई जिंदगी की शुरुआत के साथ शादीशुदा हीरोइनों की लिस्ट में शामिल होने के बाद उन्हीं की तरह अपनी फैमिलीज में अब दोनों ही फैमिली को संभाल कर आगे बढ़े। तो आपको ये समझ आ गया होगा कि आखिर क्यों दोबारा से होगा दीपिका पादुकोण का गृह प्रवेश, जो कि अपने मायके से लौटने के बाद अपने हस्बैंड रणवीर सिंह के साथ अपने घर को छोड़ जब ससुराल में पूरी तरह से बसने के लिए होंगी तैयार। वैसे तो सभी जानते हैं कि दीपिका पादुकोण जितनी बड़ी स्टार है उतनी ही ज्यादा घरेलू भी है। दीपिका उतनी ही ज्यादा फ्रेंडली है, उतनी ही ज्यादा सादगी से भरी उनकी जिंदगी है। दीपिका को वेस्टर्न स्टाइल भी पसंद है, दीपिका को ट्रेडिशनल स्टाइल भी पसंद है। अक्सर ही पार्टी फंक्शन में दीपिका ट्रेडिशनल अटायर में नजर आई। ऐसे में पूरी फैमिली को एक साथ लेकर चलेंगी ये नई बहू, इसकी पूरी उम्मीद है रणवीर के माँ बाप को। और हमें लगता है उन उम्मीदों पर हम सभी की फेवरेट, आप सभी की फेवरेट डिम्पल गर्ल जरूर खरी उतरेंगी। खैर, वक्त आ गया है इसी के साथ आज इस शो का यही दिन करने का। तो आज की लेटेस्ट अपडेट्स के साथ फिलहाल इस प्रोग्राम का हम यही करते हैं दी एंड। लेकिन जाते जाते आपको दे दे गुड न्यूज। फिल्म सिम्बा में जिस रणवीर सिंह को आप देखेंगे सारा अली खान के साथ रोमांस करते हुए, वहीं दूसरी तरफ अब दीपिका ने भी कर ली है तैयारी एक नई मूवी के साथ बॉलीवुड की करियर की शुरुआत करने की। जी हाँ, सही सुना आपने, अगले साल दीपिका पादुकोण अपने प्रोफेशनल करियर की एक और नई करने वाली है शुरुआत। मेघना गुलजार की फिल्म की शूटिंग होगी शुरू मार्च के महीने में, यानी कि उससे पहले फुल टाइम देने वाली है आपकी फेवरेट दीपिका अपने हस्बैंड रणवीर अपने इन लॉ फैमिली वालों को। तो देखते हैं इन कुछ महीनों में रणवीर दीपिका की मैरिज लाइफ की ये शुरुआत कितनी यादगार बनती है और इन सभी यादों के साथ उनके स्पेशल लाइफ से जुड़ी अपडेट्स के साथ हम लौटेंगे कुछ और नए खबरों से आपको रूबरू कराने के लिए। फिलहाल के लिए लेते हैं आपसे इजाजत, लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको याद दिला दें इस चैनल को फॉलो करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ में देखते रहें एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर खबर, जिसके लिए बिना मिस किए इस चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।